देख रहे हैं फटाफट खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। रुद्रप्रयाग हादसे पर एक बड़ा अपडेट आ रहा है। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है, 8 हो गई है मरने वालों की संख्या, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर रतौली के पास गाड़ी सड़क से नीचे नदी में जा गिरी है। अब तक नदी से 8 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। सुबह ये संख्या 5 थी, लेकिन अब आपको बता देते हैं मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है, 5 से 8 हो गई है मरने वालों की संख्या, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। नोएडा से रुद्रप्रयाग की ओर जा रहे थे ये सभी लोग। पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग घटनास्थल पर ही है। उनके द्वारा बताया गया कि करीब एक आधा घंटे पहले एक टेम्पो ट्रेवलर जो नोएडा से आगे जा रही थी यहाँ रुद्रप्रयाग की तरफ, तो रैतौली जगह है रुद्रप्रयाग से पहले, वहाँ पर लगभग 150 से 200 मीटर गहरी खाई है, वहाँ पर गिर गया है, जिसमें से 7 लोगों की डेड बॉडी तो रिकवर कर लिया है, 9 लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाया गया है, जिसमें से एक की डेथ होना ज्ञात हुआ है। ड्राइवर भी बहुत गंभीर रूप से घायल है, इसलिए स्पष्ट नहीं हो पा रहा है अभी कि टोटल कितने लोग इसमें सवार थे। लिहाजा पुलिस, हमारे SDRF और स्थानीय लोग लगे हुए हैं वहाँ रेस्क्यू के लिए, और टोटल कितने संख्या है अब ये कुछ देर बाद ही स्पष्ट हो पाएगा जब पूरी रेस्क्यू काम पूरा हो जाए। पुलिस अधिकारी को आप सुन रहे हैं, सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि अभी ये भी ज्ञात नहीं है कि गाड़ी में लोग कितने सवार थे, लेकिन सुबह तक ये आंकड़ा 5 था, अब ये बढ़कर 9 हो चुका है। 9 लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है और जो लोग घायल हैं उनमें भी कईयों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रेस्क्यू अभियान जो इस समय चल रहा है उसमें आप लाल घेरे में देख सकते हैं जो नदी के अंदर ये गाड़ी गिरी है, जिसमें कई लोग सवार थे। 8 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है, 9 लोग घायल हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर रतौला के पास में ये हादसा हुआ है। लगातार जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है उससे पहाड़ों की तरफ लोग रुख कर रहे हैं, वेकेशन मनाने के लिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ यात्रा भी इस समय उत्तराखंड में चल रही है, 4 धाम यात्रा के लिए भी लोग उत्तराखंड की तरफ कूच कर रहे हैं। और रुद्रप्रयाग इस समय जहां पर सबसे ज्यादा वाहनों की व्यस्तता देखी जा रही है, और ऐसे में ये बड़ा हादसा आज आया है सामने, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख जताया है। 2 तस्वीरें आपके सामने रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान की तस्वीरें, और साथ ही दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे नदी के अंदर लाल घेरे में आपको जो हम दिखा रहे हैं वो वही वाहन है जिसके अंदर लोग सवार थे, और 8 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। मरने वाले लोगों का जो आंकड़ा है ये बड़ा है। इस समय जिन लोगों की हालत गंभीर है, जो अस्पताल में भर्ती है, उनके लिए सरकार ने आदेश दे दिया है कि उचित उपचार उनको दिया जाए, और तत्परता से यहां पर अधिकारियों को रवाना किया गया है जो रेस्क्यू अभियान में इस समय जुटे हुए हैं। बड़ा अपडेट रुद्रप्रयाग हादसे में, 8 लोगों की मौत, 9 लोग घायल।